स्टार प्लस का शो गूमे किसी के प्यार में हमेशा से ही अपने ट्रैक के कारण लाइमलाइट में रहा, लेकिन लीप से पहले जे शो लीड हीरोइन जानी कि आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा के बीच की अनबन को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहा। दोनों के बीच की कोल्ड वॉर ने हमेशा से जनता का खूब ध्यान खींचा। कुछ वक्त पहले ऐश्वर्या शर्मा ने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि सेट पर उनके झगड़े हुए थे, लेकिन वो खुद ही इन्हें हैंडल कर लेती थी, जिससे लोगों ने अंदाजा लगाया कि ऐश्वर्या ने इनडायरेक्टली आयशा से हुई अनबन पर ही ये बात कही है। लेकिन अब आयशा ने पहली बार इस कोल्ड वॉर पर खुलकर बात की है। आयशा ने उन बातों का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि दोनों एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। दरअसल एक इंटरव्यू में आयशा ने बताया कि हम दोनों अलग इंसान हैं, हम दोनों की एक दूसरे के साथ कोई खास बॉन्डिंग नहीं थी। आयशा ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे अनफॉलो क्यों किया है, मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम पर नहीं रहती, मैं अपने में रहती हूँ। आयशा ने आगे कहा कि आप हमेशा हर किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते, इसीलिए आपको अपने स्पेस की इज्जत करनी चाहिए। आप जब तक काम कर रहे हो एक दूसरे के साथ बनाकर रखें, काम में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको बता दें कि ऐश्वर्या और आयशा दोनों ने ही शो के दौरान सेट से कभी एक दूसरे के साथ कोई तस्वीर शेयर नहीं की, जहां ऐश्वर्या शर्मा अक्सर अपने बाकी के को स्टार के साथ पोस्ट शेयर करती थी, खूब रील्स बनाती थी। सिंह से उनकी दूरी ने हमेशा से ही लोगों का ध्यान खींचा और अब आयशा सिंह की बातों से यह साफ हो चुका है कि सेट पर इन दोनों की बॉन्डिंग कुछ खास अच्छी नहीं थी। इन दिनों जहां ऐश्वर्या शर्मा अपने पति नील भट्ट के साथ बिग बॉस 17 के घर में है, तो वहीं आयशा सिंह अपने शो गुमे किसी के प्यार में लीप के बाद ही ब्रेक पर हैं और ऑडियंस उन्हें स्क्रीन पर लौटने का इंतजार कर रही है। अब देखना तो यह है कि आयशा सिंह की इन बातों का ऐश्वर्या बाहर आकर कोई जवाब देती है या नहीं। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे।